स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 43 एनिमल्स वर्ल्ड, मतलब जानवरों की दुनिया। तो चलिए जानते हैं, यहाँ पर हमें कुछ क्लूज दिए हुए हैं एनिमल्स के बारे में, हमें इन्हें आइडेंटिफाई करना है। एन एनिमल दैट हैज़ द लॉन्गेस्ट हॉर्न्स ऑफ एनी लिविंग वाइल्ड एनिमल इन द वर्ल्ड। इस एनिमल के सबसे लॉन्गेस्ट हॉर्न्स होते हैं, सींग होते हैं, इतने के जितने किसी भी जंगली जानवर के नहीं होते इस पूरे वर्ल्ड में। तो ये एनिमल है एशियन वाटर बफलो। ओके, सेकंड पे चलते हैं बियर्स। बियर्स आर ओमनीवोरस। बियर्स अधिकतर ओमनीवोरस होते हैं। ओमनीवोरस वो होते हैं जो पेड़ पौधे भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। ओके, बट वन काइंड ऑफ बियर इज स्ट्रिक्टली अ कार्निवोर। लेकिन ये एक ऐसा बियर है जो स्ट्रिक्टली कार्निवोर है, मतलब सिर्फ मांसाहारी है, वो पेड़ पौधे नहीं खाता। तो वो है पोलर बियर्स। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं अ मड पपी। ये मड में रहने वाला है, विच इज एक्चुअली नॉट अ पपी। इसे कहा जाता है अ मड पपी, लेकिन एक्चुअली में ये पपी नहीं है, ये है सालामैंडर। ओके, नेक्स्ट, ये एक इंसेक्ट है जो अंडे देता है इन अ ह्यूज मड कैसल में। एक बड़े मड कैसल में, मतलब मिट्टी के एक तरह से एक कैसल होता है, उसमें गार्डेड बाय सोल्जर्स, जो कि सोल्जर्स द्वारा गार्ड की जाती है, मतलब इन्हीं में कुछ सोल्जर्स भी होते हैं जो उसे गार्ड करते हैं। ये है टर्माइट क्वीन। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। सो नंबर 5 पे है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग द लार्जेस्ट क्रोकोडाइल इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ा मगरमच्छ क्रोकोडाइल होने के बावजूद, इट ईट्स द लास्ट अमाउंट ऑफ फूड एवरी डे। ये फूड का हर रोज लास्ट अमाउंट खाता है, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ओके, अ मेंबर ऑफ द जिराफ फैमिली। ये एक जिराफ फैमिली का मेंबर है, दैट हैज डिस्टिंक्ट वाइट स्ट्राइप्स ऑन इट्स लेग्स। और इसकी पहचान है कि इसकी लेग्स पर ये वाइट स्ट्राइप्स होती हैं, ये है ओकेपिया। ओके, नंबर 7 पर अ स्टडी हूफ्ड मैमल क्लोजली रिलेटेड टू द हॉर्स एंड राइनोसोरस। ये राइनोसोरस और घोड़े से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, ये है तापिर। ओके, इट इजेक्ट्स अ ब्लैक इंक लाइक लिक्विड इन वाटर। ऐसा लगता है वाटर में कोई इंक लाइक, इंक के कलर जैसा ब्लैक कुछ है, देखिए यहाँ पर ऐसे, ठीक है। एंड ये अपने आप को ऐसा कर लेता है, क्यों? टू एस्केप फ्रॉम इट्स एनिमी, अपने दुश्मन से बचने के लिए। ओके, तो ऐसा लगता है जैसे ये अपने आप को एक काला इंक की तरह पानी में फैला लेता है, ये है ऑक्टोपस। ओके, नाउ वी हैव एन एनिमल्स दैट कैन रिकॉग्नाइज इट्सेल्फ इन अ मिरर। एक ऐसा एनिमल जो अपने आप को मिरर में पहचान सकता है, uses gestures to communicate, बात करने के लिए वो gesture expressions use करता है, and is the closest living relative of human. और ये humans के, इंसानों के closest living relative में से एक है। मतलब पहले कहते थे ना कि इंसान भी बंदर था, तो ये है chimpanzee. Okay? A mammal, mammal मैंने आपको बताया, जो अपने जानवर, वो जानवर जो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं। अ मैमल हूज बेबी इज अबाउट 1 mm टॉल एंड सक्स इट्स ट्रंक जस्ट एज अ ह्यूमन बेबी सक्स इट्स थंब। ये अपनी ट्रंक को ऐसे ही चूसता है जैसे एक आदमी, एक ह्यूमन बेबी, एक आदमी का बच्चा अपने अंगूठे को चूसता है। ओके, और इसका जो बेबी है ये 1 meter टॉल होता है और अपनी ट्रंक को ऐसे ही सक करता है जैसे एक आदमी का बच्चा, एक इंसान का बच्चा अपने अंगूठे को चूसता है, तो वो है एलिफेंट। ओके बच्चों, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।